बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक यूनिक के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। रशिया में वैसे तो बहुत सी मसाजिद हैं, लेकिन मैं आज 5 खूबसूरत मसाजिद की बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस्लामिक यूनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। पहले नंबर पे एमन कहदरूर मॉस्क, चेचन के दारुलहकूमत में वाकया है। ये मस्जिद रूस की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का नाम जमहूरिया चेचनिया के पहले सदर और जमहूरिया के मौजूदा सदर रमज़ान कादिरोव के वालिद अहमद कादिरोव के नाम पर रखा गया। मस्जिद की तामीर का काम कोनिया के मेयर ने दिया था। मस्जिद के डिज़ाइन में 62 मीटर लंबे मीनारों का एक सेट शामिल है, जो इस्तांबुल की सुल्तान अहमद मस्जिद पर मबनी है। मस्जिद का डिज़ाइन उस्मानी तर्ज पर मबनी है, इसलिए इसका डिज़ाइन इस्तांबुल से है। मस्जिद का मरकजी हाल एक बहुत बड़े गुम्बद से ढका हुआ है। 4 मीनारों की ऊंचाई 62 मीटर है, जो इन्हें जनूबी रूस के बुलंद तरीन मीनारों में से एक बनाती है। मस्जिद की बैरूनी और अंदरूनी दीवारें संगमरमर से बनी हैं, जबकि अंदरूनी हिस्से को सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। मस्जिद का रकबा 5000 मुरबा मीटर है, इसमें 10000 से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रैंड मॉस्क ऑफ मखचिकला। मखचिकला की अजीम उशान मस्जिद दाखिस्तान जमहूरिया की मरकजी मस्जिद है। समझा जाता है कि इसे इस्तांबुल की सुल्तान अहमद मस्जिद के बाद बनाया गया था। इस इमारत में 17000 नमाजियों के बैठने की गुंजाइश है। इसकी तामीर की माली मदद तुर्की ने की थी। मस्जिद को 1998 में मुकम्मल और तकद्दस बख्शा गया। तीसरे नंबर पे लाला तलपन मॉस्क। लाला तलपन रूस की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है, जिसकी 53 मीटर ऊंची 2 मीनार हैं। इस इमारत में 1000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये 1990 और 1998 के दरमियान वकील टेलोटिशन के जदीद डिज़ाइन पर बनाया गया। चौथे नंबर पे मस्जिद कुल शरीफ काजान के शहर रेपूत में वाक़िया है। असल में मस्जिद काजान क्रेमलिन में 16वीं सदी में तामीर की गई थी। इसका नाम कुल शरीफ के नाम पर रखा गया था, जो वहां पर खिदमात अंजाम देने वाले एक आलमदीन थे। कुल शरीफ 1552 में रूसी अफवाज से काजान का दिफा करते हुए अपने मुतअद्दिद तलबा के साथ इंतकाल कर गए। इसका डिज़ाइन वोल्गा बल्गारिया के लिए रवायती था, हालांकि इब्तदाई और उस्मानी फन तामीर के अनासिर को भी इस्तेमाल किया जाता है। 1552 में काजान के मौसरे के दौरान इसे आइबल डी ड्रेबल ने तबाह कर दिया था। मस्जिद मौजीद जेवरात खतात और बहुत कुछ के जरिए कई तफसीलात दिखाती है। कई ममालिक ने इस फंड में हिस्सा डाला, जो कुल शरीफ मस्जिद की तमीर नो के लिए कायम किया गया था। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात। आजकल मस्जिद बुनियादी तौर पर इस्लाम के अजायब घर के तौर पर काम करती है। पाँचवें नंबर पे सेंट पीटर्सबर्ग से 1913 में खोली गई तुर्की से बाहर यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसके मीनारों की ऊंचाई 49 मीटर और गुम्बद 39 मीटर बुलंद है। सेंट पीटर्सबर्ग के मरकज में वाकया है। इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। इसका संगे बुनियाद 1910 में बुखारा में अब्दुलवाहद खान के दौरे हुकूमत की 25वीं बरसी की याद में रखा गया था। इस वक्त तक रूसी इस वक्त के दारुलहकूमत की मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद 8000 से तजावज कर चुकी थी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रशिया की कौन सी मस्जिद सबसे अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।